हाय दोस्तों, मैं चंदन कुशवाहा, वेलकम टू सॉफ्ट इन इंडिया। आज का टॉपिक है, हम तीन बिजनेस की बात करेंगे, उनके हम प्रॉफिट मार्जिन और उनके इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। वो तीन बिजनेस आपका है टाइल्स की शॉप यानी टाइल्स का बिजनेस, दूसरा है पाइपलाइन का बिजनेस और दूसरा आपका है पेंट का बिजनेस। ठीक है, इनमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है और एक स्टार्ट करने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, हम इनके विषय में बात करेंगे। ये वीडियो पर अंत तक देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वैल्यू जरूर मिलेगा। देखिए, हम यहाँ पे जो बात करेंगे, हम अपने एक्सपीरियंस की बात करेंगे। हमने जो करीब 3 साल का शॉप खोले, मुझे एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपीरियंस के माध्यम से इन तीनों बिजनेस के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए यदि पाइपलाइन की बात करते हैं, ये पाइपलाइन बिजनेस की बात करते हैं, तो पाइपलाइन बिजनेस का मतलब हुआ, ये हुआ कि आपकी पाइप, टंकी प्लस समरसेबल का सामान और बोरिंग का पूरा सेट। ठीक है, इनकी बिजनेस की बात करते हैं और इसमें साथ ही साथ आपका हैंडपम्प भी इंक्लूड है। ये पाइपलाइन की बात करते हैं, यानी पाइपलाइन के अंदर मैंने आपको बताया, जैसे कि पाइप हो गया, जितनी पाइप होती हैं आपकी, जैसे 4 इंची पाइप, 3 इंची पाइप, 2.5 इंची पाइप, आपकी वाटर सप्लाई की जो पाइप होती है, जिसे बोलते हैं CPVC पाइप, UPVC पाइप बोलते हैं, आपकी बोरिंग की पाइप हो गई आपकी। ठीक है, आपको जो समरसेबल में जितना सामान लगता है, रोल पाइप हो गया, और फिर आपका हैंडपम्प में जो पाइप लगते हैं, लोहे के GI की पाइप लगते हैं, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, जिसको हम एक एक शब्द बोलते हैं पाइपलाइन का बिजनेस। ठीक है, इस बिजनेस में क्या होता है, इस बिजनेस में क्या होता है कि जो भी आपके मिस्त्री वर्क होते हैं, जो भी मतलब कि प्लम्बर होते हैं या मिस्त्री होते हैं, वो क्या करते हैं, बेकायदा अपना एक कस्टमर को सामान बेकायदा सामान लिख कर देते हैं। तो आप क्या करते हैं, उनका एस्टिमेट बनाते हैं और सामान को भेज देते हैं, जितना सामान उसमें लगना है वो लगता है, नहीं जितना सामान नहीं लगता है वो वापस हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा हेडेक का चीज़ नहीं होता है। जबकि थोड़ा सा हम कंपेयर कर ले टाइल्स के बिजनेस में, क्योंकि टाइल्स का बिजनेस क्या है, ये कच्चा सौदा बिजनेस है, ये कच्चा सौदा है, क्योंकि उसमें टूट फूट की संभावना होती है। जबकि आपके प्लम्बर का और पेंट का जो बिजनेस होता है, उसमें ऐसा कोई भी संभावना नहीं होती है। ठीक है, टाइल्स में क्या होता है कि इसमें पहली बात तो वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आपको वैरायटी इसमें ज़्यादा रखनी पड़ती है। मान लीजिए आपने 10 से 12 वैरायटी आपने रख लिया है टाइल्स की, 10 से 12 वैरायटी आपने डिजाइन की टाइल्स मंगवा लिया है, 10 से 12 टाइल्स की डिजाइन तो मंगा लिए हैं, वो 10 से 12 डिजाइन चलती नहीं है। कस्टमर को आपको उन 10 में 12 में से केवल 2 या 4 डिजाइन आपको पसंद आने वाली है, तो 2 या 4 डिजाइन ही आपको ज़्यादा उठेगा। ठीक है, बाकी जो आपकी डिजाइन होती हैं वो कभी कभार जाने वाली, तब हो सकते हैं धीरे पूंजी की ब्लॉक होती है। अब 2 या 4 जो डिजाइन आपकी चल रही हैं वो ज़्यादा डिमांडेड में है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को फिल करने के लिए अलग से आप लाख रुपए का गाड़ी मंगवाना पड़ता है। दूसरा दिक्कत यहाँ आपको ये फेस हुआ, जो मैंने देखा अपने शॉप में, दूसरा दिक्कत होता है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक का अपने हेडर होता है, यानी कस्टमर को सेल करने तक और कस्टमर में जब तक लग ना जाए घर पे, तब तक आपको दिमाग में टेंशन रहता है। कि इसमें टेंशन ये रहता है कि जैसे कि टाइल्स जाना, और टाइल्स जाने के बाद उसमें क्या होता है, कई कई पेटियाँ क्या होती हैं, कुछ कॉर्नर टूट जाते हैं, कुछ बीच से क्रैक हो जाती हैं, तो ये सब की कस्टमर का शिकायत आती है, उससे झेलना पड़ता है, और जो टूटा हुआ था वो नुकसान हमें को झेलना पड़ता है, वो कंपनी रिटर्न नहीं करती है। ठीक है, नहीं करती है, तो वो नुकसान हमें को झेलना पड़ता है। दूसरा ये दिक्कत होता है कि जो जिस समय वो लेके गए होते उसी समय वो काम कराते नहीं है, जिस समय वो लेके गए होते टाइल्स उस समय वो काम करवाते नहीं है, वो काम क्या होता है 2 या 3 महीने का स्टैंड में कराते हैं, तब तक क्या होता है वो डिजाइन का स्टॉक खत्म हो जाता है, फिर स्टॉक मंगाने का भी प्रेशर होता है कि भाई मेरी स्टॉक चाहिए, मेरी डिजाइन अभी वो चाहिए, तो उसको आपको उसे फिल करने के लिए अलग से गाय लगाते हैं, तो उसका भी हेडेक आपको रहता है। मतलब फिर भी टाइल्स का बिजनेस अच्छा है, सो बुरा नहीं बोल सकते हम लोग, फिर भी अपने अपने स्तर में देखा तो अच्छा है। ठीक है, और हम अपने अपने अपनी दृष्टि से देखते हैं, तो मुझे इतना जितना मजा पाइप लाइन में आता है उतना मजा मुझे टाइल्स में उतना नहीं आता है। क्योंकि पाइप लाइन में क्या होता है कि एक बार सामान जाने के बाद आप उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि अब क्या है कि जो लगा लगा, नहीं तो वो क्या होता है पाइपलाइन से मान लीजिए एलबी की सॉकेट बच भी जाता है तो वापस हो जाता है, उसमें टूटने फूटने की चीज तो है नहीं, जितना लगा तो लगा, नहीं तो वापस हो जाती है। अब हम बात करते हैं, ये मैंने आपको तो कंपेयर कर देता है, और पेंट में भी क्या होता है, पेंट में भी यही होता है, पेंट का भी बिजनेस अच्छा है। ठीक है, बस मैं मानते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होता है। ठीक है,
इस बीच में भी क्या होता है, ये बस सामान गया तो गया, जो बचा वो वापस हो जाता है। इसमें भी आपको झंझट का, इसमें भी चिक-चिक का और मतलब कि नहीं रहता है झंझट। मेरे दृष्टि से मुझे भी ये बिजनेस अच्छा लगता है। ठीक है, हम बात करते हैं, जैसे कि मेरा टॉपिक ये था कि टायर्स का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें कितनी प्रॉफिट मार्जिन होती है, कितना हम उसमें कमा सकते हैं। तो हम पाइपलाइन की बात कर लें, पाइपलाइन की बात करते हैं तो इसमें आराम से जो प्रॉफिट मार्जिन होती है इसको मिनिमम बोल सकते हैं 10% होती है, यानी कि मिनिमम 10% होती है, बाकी तो 10% से ऊपर ही आपकी मार्जिन होती है उसमें। ठीक है, मिनिमम आपकी 10% जितना आप, जितना मैंने आपको बताया, जैसे आपको बताया कि टंकी, पाइप फिटिंग, समर्सेबल और बोरिंग, इन सब को लेते लेते आपका 3 से 4 लाख का इनिशियल आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला। शुरुआती में आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा इतनी चीज की मेल बनाने के लिए। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, टाइल्स की बात करते हैं। तो टाइल्स में क्या होता है कि टाइल्स का बिजनेस जो होता है में वैरायटियां ज्यादा होती हैं, तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होता है, करीब मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे करीब 4 से 5 लाख रुपए आराम से मुझे एक इनिशियल में मतलब कि स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना पड़ा मुझे टाइल्स के बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन आपको इसमें 10 से 50% आराम से मिल जाता है। ठीक है, 10% से 50% तक आराम से, कभी कभी 20% मिल जाता है। जब आप मीडियम ब्रांड का रखते हैं तो आपको 20% भी पहुंच जाता है। यदि आप ब्रांड लेके चलते हैं तो उसमें आप मांग के चलिए वो 10% ही मांग के चलिए आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल पाते हैं। पेन के बिजनेस की बात करते हैं तो पेन के बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होती है, आप मांग के चलिए 10% से कम ही आपकी प्रॉफिट मार्जिन में मिलती है। और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो शुरुआती में मैंने 3 लाख रुपए लगाया था, आप स्टार्ट भी आराम से आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, 3 लाख रुपए देके आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने 3 साल में देखा कि कौन सा बिजनेस मुझे अच्छा लगा, कौन सा बिजनेस मुझे सही नहीं लगा, तो इन चीज का मैंने अनुभव आपको शेयर किया कि मुझे टाइल्स का बिजनेस में, मानता हूँ टाइल्स का बिजनेस में प्रॉफिट बहुत अच्छा है, उसमें आपको गेनर भी अच्छा मिलता है, हालांकि उसमें हेडर बहुत ज्यादा होता है, तो जितना आप कमाएंगे नहीं उतना आपको टेंशन हो जाता है, फिर भी बड़े स्तर में देखते हैं कि बड़े बड़े होलसेलर शॉप खोले हैं, अच्छा उनका मार्जिन होती है, अच्छी कमाई भी होती है। ठीक है, कोई बिजनेस खराब नहीं होता है, हालांकि करने का अपना बहुत तरीका होता है। ठीक है, मैंने अपने शॉप को पूरा टूर करवाया है, मैं इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा।